गुड मॉर्निंग। आज की डेट है 27 अप्रैल 2018 और हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं करंट अफेयर एमसीक्यू। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि जलपाई नदी किस गोदावरी नदी की सहायक नदी पर बनाई गई है। तो ये बनाई गई है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा, मचकुंड नदी के ऊपर। देखिए, जो यहाँ पे जलपुत बांध है वो यहाँ पे गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम यहाँ पे मचकुंड नदी है, उसके ऊपर ये बनाया गया है। जल विद्युत बांध इसको यहाँ पे बोला जा रहा है और ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश जो दो राज्य हैं उनके बीच में एक सीमा का काम करता है। और ये बांध यहाँ पे विशाखापट्टनम जिले के जो औंद्रगढ़ यहाँ पे एक पास में ही जिला है उसके अंदर ये यहाँ पे स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, दुनिया की पहली महिला विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करने वाला कौन सा देश बन गया है? तो वो बन गया है कनाडा। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। कनाडा के अंदर यहाँ पे सितंबर 2018 में दुनिया की महिला की जितने भी विदेश मंत्री हैं उनकी यहाँ पे बैठक कनाडा के यूरोपीय संघ यानी कि ईयू के द्वारा आयोजित की जाएगी। और यह घोषणा कनाडा के जो विदेश मंत्री है क्रिस्टिया फ्रिनलैंड उनके द्वारा अप्रैल में की गई थी कि यह बैठक 20 से 21 सितंबर के दौरान यहां पे आयोजित की जाएगी। और लगभग यहां पे उम्मीद है कि 30 देशों की जो महिला विदेश मंत्री है वो इस सभा के अंदर भाग लेंगी। चलते हैं आगे। देखिए, नडिया सफी ने महिलाओं के एक सशक्तिकरण की उत्कृष्टता के लिए 2018 मार्था फेरेल पुरस्कार जीता है। वह किस शहर से वीडियो रिपोर्टर है? तो ये है श्रीनगर से। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। देखिए, श्रीनगर के एक वीडियो संवाददाता नडिया सफी उन्होंने यहाँ पे महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उनकी उत्कृष्टता के लिए 2018 का मार्था फेरेल पुरस्कार अपने नाम किया है। वो किस लिए किया गया है वो भी देखिए। यहाँ पे पुरस्कार जो लैंगिक समानता की दिशा के अंदर मीडिया की जितनी भी प्रतिबद्धता है और उसके गृहनगर के अंदर जितने भी मापदंड है उनको अस्वीकार करते हुए और कल्बों के यहाँ पे अग्रणी लिंग चर्चा के कल्बों की मान्यता को यहाँ पे देश के सामने रखने के लिए ही उनको यहाँ पे ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए। टोनी डैनियल जिनका हाल ही के अंदर निधन हो गया है वो किस खेल से जुड़े हुए थे? तो ये थे एथलीट से। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। अब इनके बारे में अगर हम देखें तो जो एथलीट है वो फेडरेशन ऑफ इंडिया की एक तकनीक समिति है और जिसके दौरान ही यहाँ पे जो अध्यक्ष है वो टोनी डैनियल और केरल राज्य के जो एथलीट है उनकी एक एसोसिएशन के जो कार्यकारी उपा अध्यक्ष है वो है, यानी कि उनका कोची के अंदर निधन हो गया है। उनका यहाँ पे बोला जा रहा है कि 25 अप्रैल 2018 को देश के जो IAF अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी अधिकारी में से वो यहां पे एक थे। ठीक है, आगे देखिए। किस शहर ने राष्ट्रीय खरीफ सम्मेलन 2018 की मेजबानी की है? तो वो की गई है न्यू दिल्ली के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा यहां पे करेक्ट रहेगा। राष्ट्रीय खरीफ सम्मेलन 2018 जो कि 25 अप्रैल 2018 को नई दिल्ली के वैज्ञानिक भवन के अंदर आयोजित किया गया था। केंद्रीय कृषि और यहाँ पे जो किसान कल्याण मंत्री है राधा मोहन सिंह जी, उन्होंने कहा है कि हम किसानों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जुटा रहे हैं कि उनको आने वाले टाइम के अंदर बहुत कम दिक्कत हो। हम यहाँ पे एग्रीकल्चर की हर एक फील्ड के अंदर उसके ऊपर ध्यान रखने की कोशिश कर रहे हैं और ताकि यहाँ पे आने वाले टाइम के अंदर किसान का जो काम है वो आसान हो सके और अच्छी अच्छी तकनीकें उनके लिए हम यहाँ पे लेके आ सके, चाहे वो किसी भी फील्ड के अंदर हो, रबी की फसल हो या खरीफ की फसल हो। ठीक है, आगे देखिए। भारत और किस देश के बीच में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास जिसका नाम है हरिमो शक्ति 2018 आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा मलेशिया के अंदर। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। देखिए, ये यहाँ पे एक द्विपक्षीय संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है जिसका नाम है हरिमो शक्ति 2018 और इसी के चलते यहाँ पे बोला जा रहा है कि 30 अप्रैल से लेकर के 13 मई 2018 तक मलेशिया के हुलू लेटिन जिले के अंदर यहाँ पे ये अभ्यास किया जाएगा। और इस अभ्यास का जो यहाँ पे बागडोर संभालेंगे वो है भारतीय सेना के जो प्रतिनिधित्व है
चार ब्रिगेडियर के द्वारा इसको संभाला जाएगा, जो कि पुराने पैदल सेना के बटालियन में से एक है। और इसके अंदर बोला जा रहा है कि जितने भी जो जंगलों से रिलेटेड जो खतरे हैं और उनके अंदर किस तरह से निगरानी की जा सकती है, किस तरह से चौकसी बरती जा सकती है, उन सभी का यहाँ पे ध्यान में रखते हुए ये अभ्यास यहाँ पे किया जाएगा। चलते हैं आगे। किस केंद्रीय मंत्रालय ने अनंत भारत अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है? तो वो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। देखिए, यहाँ पे मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक उन्नत भारत अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत देश भर के अंदर 750 उच्च शिक्षा संस्थानों के छात्र गांवों को अपनाएंगे और वहां के लोगों की जो जीवन शैली है उनके द्वारा वो सब यहां पे सामने लेके आएंगे। यानी कि जो गांव में रहने वाली जितनी भी हमारी पब्लिक है भारत की, वो किन किन दुविधाओं से गुजर रही है, उनको किन किन चीज़ों की दिक्कत हो रही है, उनको यहाँ पे पढ़ाई में लिखाई में किस चीज़ से यहाँ पे किस तरह से गुजर रही है उनकी जो बस्तियाँ हैं, जो जीवन है उनका, उन सब को यहाँ पे दुनिया के सामने रखेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए, गूगल इंडिया के सहयोग से कौन सा केंद्रीय मंत्रालय ने अविश्वसनीय भारत पर 360 डिग्री वर्चुअल रियलिटी वीडियो लॉन्च किया गया है? तो वो किया गया है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। देखिए, यहाँ पे 26 अप्रैल को गूगल इंडिया के सहयोग से पर्यटन मंत्रालय ने एक अविश्वसनीय भारत पर 360 डिग्री वर्चुअल रियलिटी का एक वीडियो अपलोड किया है, जिसके अनुभव से यहाँ पे ये वीडियो लॉन्च किया गया है। और साझेदारी के हिस्से से यहाँ पे गूगल के जो आर्ट्स एंड कल्चर के जो उपयोगकर्ता है उनको भी भारत की विरासत के बारे में यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए। केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही के अंदर राजस्थान के जनजातीय वर्चस्व वाले अनुसूचित क्षेत्रों को शामिल करने की मंजूरी दे दी गई है, जिसके अंदर भारत के संविधान की अनुसूची है। यानी कि किस अनुसूची के अंदर अब उनको लेके आएंगे, किस अनुसूची के अंदर उनको ऐड किया जाएगा, तो वो है ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा, जो हमारी पांचवी अनुसूची है उसके तहत। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता के अंदर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान को आदेश को यहाँ पे मानते हुए और भारत के संविधान की जो पांचवी अनुसूची है उसके तहत राजस्थान के जो जनजातीय वर्चस्व वाले अनुसूचित क्षेत्रों को शामिल करने की यहाँ पे मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक कर दीजिए, लाइक करने के साथ साथ इसको शेयर भी कर दीजिए, और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।